चैनल और अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं खा रही हूँ यहाँ पे चीज़ टमेटो मैगी, क्योंकि अभी अकेली हूँ तो क्या बनाऊँ कुछ सूझा नहीं। राइस है लेकिन मुझे रात को राइस नहीं खाना, क्योंकि बैंगलोर में इतनी बारिश हो गई है ना कि मौसम इतना ठंडा हो गया कि राइस खाने का मन नहीं हो रहा और गला और नाक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मैंने जब बताया था ना कि मैंने डस्टिंग वस्टिंग किया था तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो वही सर्दी का मुझे इफ़ेक्ट हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं मैगी खा रही हूँ, सूपी मैगी। मुझे बहुत ऐसा क्रेविंग हो रहा था और मैं 4 बजे गई थी बेटी को छोड़ने के लिए। बेटी नवरात्रि के लिए मुंबई गई है, फिर दोनों साथ में आएंगे और बेटा और बेटी दोनों ही साथ में आएंगे इधर। उसका भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि सारे फ्रेंड्स वहाँ नवरात्रि खेल रहे, गरबा खेल रहे और यहाँ कुछ हो नहीं रहा है गरबे का, तो इसके लिए वो वहाँ पे गई है और वहाँ से फिर दोनों साथ में आएंगे। और उसके बाद से फिर मैं तो नहीं गई क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे काम है, इसलिए मैं नहीं गई। और कितनी कितनी बार दौड़ दौड़ के जाऊँगी और आऊँगी, फिर मेरा बहुत नुकसान भी होता है इस वजह से। तो खाली उसको भेजा मैंने बस से, फ्रेंड बन गए हैं तो अपना जा सकती है, गई है और कल पहुँच जाएगी। 18 आवर्स लगता है, मतलब 18 घंटे लगते हैं यहाँ से बैंगलोर से मुंबई जाने को। मैं तो ट्रेन और फ्लाइट में ही गई हूँ, बस में कभी नहीं गई। लेकिन मुझे फ़्लाइट और ट्रेन में उसको भेजने के लिए भी थोड़ा टेंशन हो रहा था, इसके लिए बस पहचान की थी, पहचान वाले की थी, इसके लिए बस बुक हुआ और वो गई भी। और टिकट अवेलेबल भी नहीं था, और फ़्लाइट की टिकट काफ़ी ज़्यादा हाई रेंज चल रही थी और ट्रेन की टिकट भी अवेलेबल नहीं थी। अभी तो आप कहीं की भी सर्च करो ना, आपको टिकट नहीं मिलेगी ट्रेन की। तो फ़िलहाल बस से गई है, वो लग्जरी बस है, वो अपनी चली गई आराम से। तो अभी मैं अकेली हूँ और थोड़ा घर खाली खाली लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी 1-1.5 महीने से वो लोग रह रहे थे ना, तो इसके लिए थोड़ा सा भरा भरा लगता था। मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये कर दो, वो कर दो, चालू ही रहता था। रात के 3 बजे 2 बजे तक चालू रहता था। लेकिन अभी अकेले, कोई बात नहीं, बच्चों को भी थोड़ा सा आना जाना एकदम से भी नहीं छुड़ा सकते कोई भी चीज़, उनको भी याद तो आती है। चलो मेरे को तो आदत हो गई है, उनको आदत लगते लगते लगेगी कोई भी चीज़ की, बट कोई बात नहीं, त्यौहार व्यौहार में जा सकते हैं। तो अभी गए हैं तो अभी मैं मैगी खा रही हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग तो स्टार्ट नहीं किया, कल मार्केट गए थे थोड़ा सा सब्जी वब्जी लेने, उसको था इसका बुक हुआ तो फिर ही अकेले गई। तो अकेले जाना ऐसा कोई, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये है, क्योंकि बस में पूरी फैसिलिटी होती है और अच्छे से वो लोग लेके भी जाते हैं। और पहचान की थी इसके लिए और भी मैंने भेज दिया। तो वही कल मार्केट वार्केट गई थी तो सब्ज़ी लाई थी, तो फिर उसको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह शाम को कराया, नाश्ता वाश्ता, फिर शाम का इवनिंग स्नैक्स होता है तो डोसा वोसा खाया हमने। फिर घर आया तो इतना सा मुँह लेके बैठी थी, फिर बाद में उसने बात बात किया कि कैसे जाना है कैसे नहीं, तो फिर उसने बात बात करके फिर फाइनली आज चली गई, मतलब गई। उसने सोचा था कि उसको जाना है तो गई, लेकिन आएगी ठीक है। उसका क्लास वगैरह चालू है, क्लासेस की भी उसकी 1 हफ्ते की छुट्टी थी। यहाँ पे नवरात्रि को छुट्टी देते हैं बैंगलोर में, और मुंबई में गणपति को छुट्टी देते हैं। यहाँ पे स्कूल भी कुछ कुछ स्कूल भी बंद है और कुछ कुछ क्लासेस भी बंद है, तो उसके क्लासेस भी 1 हफ्ते की छुट्टी थी, दशहरे तक छुट्टी है। तो बोला चल जाके आ जा, अच्छा ही है। तो चलिए अभी मैं खा लेती हूँ और आपको मिलती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि कल मुकबंग शूट है। क्योंकि कल मैंने नहीं किया मुकबंग शूट, परसों किया था, तो कल मुझे कोई भी हालत में मुकबंग शूट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में, बाय बाय। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और अभी चलते हैं चाय बनाने, लेकिन उससे पहले बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अभी शावर लिया, पूजा किया और सनस्क्रीन वगैरह लगाया, लोशन वगैरह। तो आपको थोड़ी सी ऑयली ऑयली दिख रही होगी, सनस्क्रीन थोड़ा ऑयली होता है। उसके बाद मैं कोई भी स्किन केयर नहीं करती, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, यही वाला ज़्यादा है क्योंकि मैं ना ये वैक्स करती हूँ ना, इसके वजह से भी हो सकता है, ये वैक्सिंग करते हैं ना इसके वजह से। तो चलिए अभी थोड़ी देर बैठ के फिर चलते हैं किचन में चाय बनाने, और चाय बनाते ही और पीते हैं। आज मैं खाऊंगी नमकीन जो घर पे मैंने बनाया था, वो नमकीन खाएंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में। पूजा हो गई है, यहाँ पे बना रही हूँ चाय। किस किस को पीनी है ज़रूर आ जाइए। तो डालेंगे चाय पत्ती, चीनी वाली पीते, रोज गुड़ वाली पीती हूँ, चीनी वाली, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से अदरक डाल देते, तो चाय उबल रही है तो इसमें डालेंगे अदरक और इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे अपनी कड़क चाय हो गई है रेडी, इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे और देख सकते हो। तो यहाँ पे खाएंगे नमकीन चाय के साथ, ये मैंने घर पे बनाया है। ओ भाई ये गिर रहा है नीचे,
और कल रात को मैंने किचन साफ नहीं किया, साफ किया था बट देखिए फिर से रात सुबह उठते तो पता नहीं क्यों इतना गंदा दिखता है। तो थोड़े से नमकीन ले लेते घर की बनाई हुई और अभी डालेंगे चाय। अभी चलेंगे चाय लेके टेबल पे, मंदिर की पूजा वूजा हो चुकी है, वीडियो ब्लर दिख रही है। यहाँ रखेंगे चाय। वो यहाँ पे अभी बना रही हूँ किचन में बैंगन भाजा, एक पूरा बैंगन मैंने कट किया था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये वाली बन गई है। इसकी रेसिपी तो मैंने बहुत बार दी है, सिर्फ इसमें मैंने नमक हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर लगाया है और इसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चावल भिगा दिया है और यहाँ पे दाल हो गई है और यहाँ पे मैंने टमाटर सेक लिया है। और टमाटर की चटनी और आलू का चोखा भी बनाऊंगी या आलू भुजिया बनाऊंगी, कुछ तो बनाऊंगी। तो यहाँ पे बैंगन भाजा रेडी है, यहाँ पे टमाटर की चटनी, दाल और यहाँ पे चावल, और यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट ओवर चावल था ना तो कल रात को, कल दोपहर में बनाया था तो मैंने फ्रिज में रखा था तो यहाँ पे डाल दिया, गर्म हो जाएगा ये। तो चावल रेडी है और यहाँ पे आलू टमाटर की भुजिया सब्जी, जिसमें मैंने कुछ नहीं सिर्फ नमक हरी मिर्ची टमाटर और मैगी मसाला डाला है। तो चलिए गाइस पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। और अभी मेरी क्लाइंट भी आने वाली है तो मुझे इससे पहले वीडियो बना लेना है, ठीक है? तो चलिए आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हे गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता नाश्ते में, और सॉरी लाइट नहीं है इसलिए फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रहा है। और देसी स्टाइल से पास्ता किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट करना, मैं वीडियो चालू करना भूल गई। ऑलरेडी पास्ता की रेसिपी मेरे चैनल पे है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, और बहुत सिंपल तरीके से और बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, युक्ति जहाँ क्लास पे जाती है ना मेरी बेटी, उनके घर पे पूजा रखा गया था तो उन्होंने इनवाइट किया था, तो यहाँ पे हमारी लेडीज़ ग्रुप जा रही है। तो ये देखिए इतना सुंदर इन्होंने सजाया था ना कि क्या ही बोले, बहुत सुंदर सजाया था। पता नहीं इस पूजा को आप लोग क्या बोलते, ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना, जो बैंगलोर से है उनको पता होगा कर्नाटक साइड में। अच्छा ये जो टीचर है इनकी, ये काफ़ी साल मतलब थाने में रही कलवा में, और जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ से ही आई थी, इनको आई हुई इस सोसाइटी में 3 महीना ही हुआ था। और फिर ये एक्चुअली क्या अपना इंजीनियर स्टूडेंट और एमबीए स्टूडेंट को ये लोग ये पढ़ाती थी पहले कॉलेज में, बट अभी इनका बच्चे के पीछे ना एक बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा उसके पीछे छोटा है तो थोड़ा सा उसके पीछे टाइम देना पड़ता है इनको, इसके लिए उन्होंने कॉलेज वगैरह छोड़ दिया। तो इनका एक बेटा 12th में है और यहाँ पे मतलब हम लोग सब लोग देख रहे हैं। और ये जो पर्पल साड़ी में है वो युक्ति की टीचर है, और मैं भी साड़ी पहन के आई थी और यहाँ पे सब लोग थे। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था कि कौन क्या पहनने वाला है, बट मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी दिन हो गए थे साड़ी पहने हुए तो यहाँ पे साड़ी वाड़ी पहन लिया है। और यहाँ पे हल्दी कुमकुम कर रहे हैं, यहाँ पे हल्दी कुमकुम थोड़ा सा अलग ही होता है, हमारे वहाँ तो थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को तिलक लगा रहे हैं, और इन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया था बैग में, जैसे सुहाग का सामान होता है ना वो सारी चीज़ें दी थी। तो ये भी मुंबई में रह चुकी हैं, और इस सोसाइटी में ना बहुत लोग, जहाँ मैं रहती हूँ थाना घोड़बंदर, वहाँ से बहुत लोग हैं, काफ़ी क्लाइंट तो मेरे आनंद नगर के ही है, जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में ही आनंद नगर है, तो बहुत सारे क्लाइंट जो मेरे यहाँ पे जो है वो आनंद नगर से ही है। तो सुन के भी काफ़ी अच्छा लगता है ना कि आपके साइड से कोई है। तो ये बैग देख रहे हैं, बैग में ही सब कुछ सामान और प्रसाद डाल के सबको दिया। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और अभी मैं पूजा में से आ गई हूँ। पूजा से पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी, और आज मैंने पहनी ये वाली साड़ी, कैसी लग रही जरूर कमेंट करके बताना। हेयर स्टाइल तो एकदम बेकार हो गया है क्योंकि अभी 2 घंटे से मैं नीचे बैठी थी, ठंडी हवा हवा खा रही थी। तो चलिए पहले डोर ओपन करते। तो हे गाइस अभी जा रही हूँ साड़ी चेंज करने, और कैसा लग रहा है समय कि एक तो बालों से ही मैं मार खा जाती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ और यहाँ पे सारा पसारा हुआ है, तो अभी इसको समेटती हूँ और फिर बाद में आपको मिलती हूँ, ठीक है? आज मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पिया है तो अभी चेंज करती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ शाम की। और आप देख सकते हो अभी स्किन थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी है मेरी, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुंबई में तो मुझे लोशन वोशन कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे ठंड की वजह से ना स्किन ड्राई होती है, और ड्राई होती है तो क्या खुजली कर करके निकालते तो दाग हो जाते हैं, तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो चलिए पहले मैं चेंज कर देती हूँ फिर मिलती हूँ।
फाइनली मैंने चेंज कर लिया है और बाल देखे जूड़ा मैंने किया था, अजीब सा लग रहा है। और कान का अभी मैंने पहना नहीं, बहुत टाइम के बाद मैंने निकाला गोल्ड का, तो इसके लिए। तो चलिए अभी मैं पहले चाय बना लेती हूँ क्योंकि राइस भी पड़ा हुआ है, तो राइस का मैं फ्राइड राइस बना के खा लूँगी और दाल भी है। देखते पहले राइस गर्म करती हूँ और फिर चावल। अरे आज पूरा दिन क्या हो गया ना, मेरा मुकबंग शूट था लेकिन आज क्या हो गया कि आज सुबह से लाइट नहीं थी, शाम को मुझे लगता है 3:30-4 बजे शायद लाइट आई है। मैं तो सो गई थी, जब सोसाइटी से कॉल आया तब मैं उठी, तब रेडी हुई, तब पूजा के लिए गई, नहीं तो आज तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। आज खाना भी मैंने दोपहर में नहीं बनाया, क्योंकि खाना था इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि पास्ता मैंने बना के खा लिया था, आपने वो वीडियो देखा होगा मैंने पास्ता बना लिया। तो चलिए पहले फटाफट चाय बनाते हैं क्योंकि चाय की बहुत तलब लगी। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन चाय नहीं छोड़ सकती, बिना चीनी का भी पी लूँगी लेकिन चाय चाहिए, चाहे वो ग्रीन टी हो चाहे चाय हो, मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो चलिए पहले बना लेते हैं फिर आपसे मिलती हूँ। और बाल का कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि कहीं जाने पे ना मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अभी फ़िलहाल तो देख रहे हो अब न्यू ग्रोथ आ चुकी है मेरी, जो ऑयल बनाया था वही लगा रही हूँ मैं, तो अभी न्यू ग्रोथ तो आ रहा है, बालों की कंडीशन ठीक हो रही है। तो टचवुड, मैं तो डर गई थी कि यहाँ के पानी की वजह से हो रहा है कि क्या, लेकिन साल भर में ऐसा एक बार होता ही है जो 1-1.5 महीना आपका बाल जाता ही जाता है, वो भी पुराने हो जाते हैं फिर नए आते हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो चलिए अभी पहले इसको जूड़ा सही करती हूँ और चाय रखती हूँ, चाय बना लूँगी उसके बाद मिलूँगी। आज मैंने लाइनर भी बहुत टाइम बाद लगाया, देख सकते हो थोड़ा तो भगवान ने अच्छा दिया नहीं है। अरे थोड़ा तो काला ही बना रहे लेते हैं लेकिन शक्ल थोड़ी अच्छी दी रहती, गोरा बना के भी क्या फ़ायदा, सही बात है कि नहीं, गोरा ही रह गया क्या फायदा, जो चेहरे पे का भगवान ने इतने काले टीके दे दिए कि किसी की नजर ही नहीं लगेगी, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो चलो पहले मैं बना लेती हूँ चाय फिर मिलती हूँ। और कल आपसे बात करते करते मैंने चाय भी बना लिया लेकिन मैं चाय की वीडियो नहीं बना पाई, तो अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी 3 दिन से ब्लॉग चल रहा है, बिल्कुल भी मूड नहीं अच्छा लग रहा, बच्चे चले गए ना तो कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा है। तो बट अभी शूट तो करना है, काम तो करना है, इसलिए अभी आज बना रही हूँ छोले बहुत सिंपल तरीके से। वैसे छोले की रेसिपी ना मेरे चैनल पर भर भर के पड़ी है, यानी 2018 से जब मैंने चैनल चालू किया तब से लेके अभी तक बहुत सारी छोले की अलग अलग वैरायटी में रेसिपी है छोले की, तो आप लोग प्लीज़ चेकआउट कर लेना। कितना लिंक मैं प्रोवाइड करूँगी, आप मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो छोले की रेसिपी, तो आपको मिल जाएगी। तो अच्छा ये जो चना है ना, रात को आधा टीस्पून जो सोडा होता है ना डाल के मैंने भिगा दिया था, और साथ में इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले डाल रही हूँ, जैसे तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, एक इलायची, चक्री फूल और जीरा, ये सारी चीज़ें। आप इसको पोटली भी बना के डाल सकते हो, और अभी तो स्ट्रेनर आता है वो छन्नी जैसा आता है उसमें भी डाल के आप इसको बॉईल कर सकते हो, बट मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे इसके लिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ, और उसको अभी इसको बॉईल करूँगी। अच्छा याद रखना कि आपने सोडा डाला है इसीलिए ये 2 सीटी में काफ़ी अच्छे से कुक हो जाएगा। साथ में इसमें मैं प्यूरी आज यूज़ करने वाली हूँ, तो 2 प्याज और 2 टमाटर मैं ले रही हूँ, इसको छील लूँगी अच्छे से। अच्छा अगर आपको कलर थोड़ा चेंज चाहिए ना तो आप इसमें चाय, जो मैंने सादा पानी डाला है, आप चाय पत्ती का पानी डाल सकते हो, तो आप वो बॉईल करके डाल दोगे और फिर उसके बाद इसको कुकर की सीटी लगा के आप चना बॉईल कर सकते हो। अच्छा जब भी मैं कोई भी चीज़ भिगाती हूँ ना, एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सी जो ड्राई चने होते हैं या कोई भी चीज़ जल्दी गलता नहीं है, आपको ऊपर से चने में सोडा डालना होता है, तो इससे अच्छा ना जब आप भिगाते हो ना तभी आप सोडा डाल के भिगा दो ताकि वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, तो जब आप बॉईल करोगे तो एक्स्ट्रा सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, और चने भी बॉईल अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज टमाटर मैंने छील लिया था, मतलब टमाटर को नहीं, मैंने प्याज छील लिया था और टमाटर भी धो लिए थे, और मेरा देखो मैं अपने पैंट से ही हाथ पोंछ रही हूँ, किस किस को ये गंदी आदत है ज़रूर कमेंट करके बताना, जबकि किचन पे मैंने कम से कम डीमार्ट से कितने सारे टॉवल ला के रखे हैं हाथ पोंछने के लिए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं होता है, और मेरे अवन ओटीजी पे ही एक टॉवल पड़ा रहता है लेकिन मैं कभी नहीं पोंछती। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने प्याज व्याज कट कर रही हूँ, और इसकी एक मतलब एकदम फाइन प्यूरी नहीं बनानी है, जैसे कोर्स ड्राई, हम कोर्स ग्राइंड बोलते हैं ना, जैसे दरदरा ऐसा, आप चाहिए तो मैनुअल चॉपर में भी कर सकते हो, बट अभी मैं चॉपर कहाँ निकालने जाऊँ, तो इसके लिए मैंने फटाफट मिक्सी में ही प्याज और टमाटर में काट के डाल दूंगी, और ये तो छोटा मिक्सी, इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पीसूंगी। जार अभी मुझे लाना है, बहुत टाइम से मैं बोल रही हूँ कि जार लाऊंगी लेकिन मुझे 3 का सेट चाहिए, तो मैं अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी देख रही हूँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो मेरा मिक्सर है उस हिसाब से मुझे चाहिए, तो इसलिए।
तो यहाँ पे देखिए अभी मैं कैमरा थोड़ा सेट कर रही थी, मुझे ऐसा लगा ना कि कैमरा दिख नहीं रहा है, कभी कभी होता है ना। और मैं ना हमेशा बहुत लोग पूछते दीदी आप कैसे शूट करते हो, कोई पकड़ता है क्या? तो देखिए बच्चे थे तो तब तक पकड़ते थे, जब बच्चे अभी नहीं है तो मैं ट्राईपॉड पे ही किचन पे ट्राईपॉड लगा देती हूँ। मेरे पास किचन ट्राईपॉड तो नहीं है लेकिन जो रेगुलर एक ट्राईपॉड है मैं उसी को इस्तेमाल करती हूँ अपने मूवमेंट वीडियो के लिए भी और अपनी ब्लॉगिंग के लिए भी। हाँ एक मेरे पास है मिनी ट्राईपॉड जो है बाहर लेके जा सकते जो हम लोग सेल्फी वगैरह खींचते, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, मैंने उसकी वीडियो भी शेयर की थी। अगर उसकी लिंक मिलेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे दीदी हम लोग को भी अपना चैनल चालू करना है तो कौन सा ट्राईपॉड लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो देखिए फ्लिपकार्ट अमेजोन और आपको मीशो वीशो पे ना बहुत सारे ट्राईपॉड वगैरह मिल जाएंगे, आप प्लीज ऑनलाइन भी देख सकते हो। अब तो हर एक मोबाइल शॉप में आपको ट्राईपॉड रिंग लाइट सब मिल जाती है, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है। हाँ अगर आप ज़्यादा महंगा लेने जाओगे 4,000-3,000 का तो वो तो भाई अगर आप प्रोफेशनल हो तो यूज़ करो, बाकी मेरा जो रिंग लाइट है वो 600-700 का। हाँ जो स्टार्टिंग में मैंने रिंग लाइट लिया था वो 2,000 का लिया था लेकिन वो ख़राब हो गया, लेकिन उसकी स्टैंड आज भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है रिंग लाइट ख़राब हो जाती है ना तो स्टैंड यूज़ कर सकते हो क्योंकि अलग से रिंग मिलता है उसका लाइट का। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में मैंने पीस लिया था और अभी कढ़ाई में बनाऊंगी, कढ़ाई में सिर्फ मसाला फ्राई करूंगी, बाकी डायरेक्ट मैं मसाला कुकर में डाल के सीटी लगा दूंगी। तो अभी इसको भी मैं पहले कैमरा सेट कर लेती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है और अब इसको डालूंगी सरसों का तेल। अच्छा छोले वोले जो राजमा वाजमा होता है उसमें तो तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाती है, आप देख लेना अपने हिसाब से। तो मैं जब मुकबंग वीडियो बनाती हूँ तो थोड़े अच्छे तरीके से मैं सब्जी वब्जी बनाती हूँ ताकि वीडियो में दिखने के लिए थोड़ी अच्छी लगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के लेके बैठ गए और वो दिखने में बेचने लगे। होता है ना कि पहले आंखों से हम देखते हैं फिर भूख लगती है, वैसा हिसाब किताब, यानी खाना आंखों से देखने से अच्छा लगेगा तो लोगों को लगता है कि हाँ टेस्ट में भी अच्छा रहेगा, वैसे टेस्ट में भी अच्छा ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए जो मसाले थे मैंने डाल दिए, सरसों का तेल आपको बहुत अच्छे से गर्म करना है नहीं तो उसका कच्चापन का स्वाद आ सकता है। अच्छा इससे पहले ना कुछ दिन पहले मैंने सिंपल घुगनी की रेसिपी शेयर की थी काले चने की, वो ट्राई ज़रूर करना, वो इंस्टाग्राम वायरल रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनी थी, उसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाउडर मसाले डाल दिए, निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए नमक, गरम मसाला, लाल मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, किचन किंग मसाला, छोले मसाला और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। आप सिर्फ थोड़ा सा अमचूर डाल देना, लेकिन जो छोले मसाला होता है ना उसमें अमचूर होता है इसीलिए आपको एक्स्ट्रा अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें हमने टमाटर पीसा है इसीलिए हम लोग को और खटाई डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी मसाले ना 2 मिनट, अच्छा ये जो रेसिपी है ना बहुत फटाफट बन जाती है, अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं या आपको बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छोले बनाने हैं और आप सोच रहे हो कि छोले कैसे बनाएंगे, तो जो मैंने आइडिया बताया ना कि सोडा डाल के आप भिगा दो ताकि आपको कुक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और 1-2 सीटी में चने अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। कभी कभी होता है कि चने की क्वालिटी या घुगनी की क्वालिटी या राजमा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कि कितना भी आप सीटी लगा दो पकती नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी तो यहाँ पर मैं पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैंने एक्चुअली उसके साथ नहीं पीसा, मुझे एक्चुअली उसके साथ पीसना था लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पता नहीं, कभी कभी होता है ना कि आप खाना बनाते बनाते कुछ भी सोचते हो तो चीज़ें बिगड़ जाती है, तो लेकिन चीज़ें बिगड़ी नहीं थी सिर्फ भूल गई थी, तो मैंने ऊपर से डाल दिया क्योंकि ये पेस्ट है इसके साथ ही भून जाएगा। तो अभी 2-3 मिनट और भूनूंगी और अच्छे से भूनना है, तेल सेपरेट रखिए। अभी कढ़ाई में आपको तेल नहीं दिख रहा है क्योंकि जब हम कुकर में डालेंगे और जब सीटी लगाएंगे तो सारा तेल ऊपर रिलीज़ हो जाता है, इसीलिए जब भी आप कोई चीज़ बनाओ ना तो मसाला कुकर में ट्रांसफ़र कर दो और तेल अच्छे से सेपरेट हो जाता है। तो आप ये तो तेल को आप अलग से निकाल सकते हो, रोगन की तरह यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आप उसको नहीं खाना है तो आप उसको साइड कर सकते हो। मैं मिसल विसल भी ऐसे ही बनाती हूँ, मसाले अलग भून लेती हूँ, बाद में मूंग के साथ या उसके साथ मटकी के साथ में मैं मसाले डाल के बॉईल कर लेती हूँ, तो वो रोगन ऊपर आ जाता है, मतलब तेल जो है ऊपर आ जाता है। तो मिसल में ज़्यादातर तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जो मुंबई से होंगे उनको पता होगा, जो महाराष्ट्रन होंगे कि मिसल पाव वगैरह में तेल ऊपर ज़्यादा ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और इसमें ना आपको कितना पतला खाना है, कितना थिक खाना है, किसके साथ खाना है, तो वो आप क्या कर सकते हो इसमें पानी का एडजस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो 2 ही सीटी में चने कितने गल गए हैं और बस मैं अभी 1 ही सीटी इसके साथ लगाऊंगी और अपना चना रेडी हो जाएगा। अच्छा मेरे पास धनिया नहीं था, आप लास्ट में धनिया से गार्निश कर सकते हैं या भुनने के टाइम पे मसाले में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग को धनिया का टेस्ट अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ना कुछ टाइम से धनिया में सब्जी में डाल रही हूँ तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं सजाने के लिए ऊपर से गार्निश करने के लिए ही डालती हूँ, लेकिन मेरे पास गार्निश करने के लिए भी नहीं था।
मैंने ऐसे ही कर दिया, मतलब बना लिया। वैसे भी कोई चीज़ नहीं रहे तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मैं थोड़ा थिक्की रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसको भटूरे के साथ खाने वाली हूँ इसलिए। तो अब इसको एक सीटी लगाएंगे, एक या दो सीटी लगाएंगे और अपना छोला रेडी हो जाएगा। जब कुकर खुल के दिखाऊंगी तो देखना कितना यम्मी लगता है। और वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी रेसिपी, कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल के नेम, इंस्टाग्राम में भी पेज की लिंक है तो वहाँ से फॉलो और सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना क्योंकि वहाँ पर मैं नए नए रील्स हर रोज़ अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। छोले देख सकते हो कितने यमी लग रहे हैं। और अभी इसको चलते और देखिए चने कितने अच्छे गल गए हैं, ऐसे लग रहे हैं ना भंडारे वाले छोले जो होते हैं हलवाई स्टाइल में बनते हैं, वैसे छोले लग रहे हैं। और इसमें आप पनीर वगैरह भी डाल सकते हो, साथ में पनीर वगैरह भी डाल सकते हो। तो छोले मस्त गल गए हैं, अभी इसको मैं सर्व कर लेती हूँ और वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और आप देखो मैं आपको टेबल दिखाती हूँ कितना यम्मी लग रहा है, मैंने सलाद, लस्सी, भटूरा, पापड़ सब रख दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।